अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 750 ग्राम मटन जो मैंने धो कर रखा है। आप चाहें तो बीफ के गोश्त में भी बना सकते हैं। और ये आधा किलो मैंने ली है भिंडी। और दो बड़े साइज़ के लिए है मैंने ये टमाटर जो बारीक काट लिए हैं, और दो मीडियम साइज़ के प्याज। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। 1.5 टीस्पून है मेरे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा हरा धनिया है, गार्निश करेंगे हम बाद में। और ये 3 मोटी वाली हरी मिर्च हैं, और मस्टर्ड ऑयल है मेरा ये 200 ml। 100 ग्राम मैंने लिया है दही, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून है मेरा ये रेड चिली पाउडर। नमक हम लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चले हम बनाते हैं भिंडी गोश्त। मैंने ये कुकर में गोश्त धोकर डाल दिया है। इसमें मैं ये मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। प्याज की पेस्ट बना रही है मैंने, ये डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये नमक, और इसमें मैं ये टमाटर डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे हम। गैस को ऑन कर लेंगे हम। अब तेज गैस पर मैं इसमें एक सीटी लगाऊंगी कुकर में। एक सीटी लगाकर हम छोड़ देंगे भाप में गोश्त को, सीटी को नहीं हटाएंगे। तो चलिए कुकर में एक सीटी लगा लेते हैं। अब हम तक हमारे गोश्त में सीटी आती है इतने हम ये भिंडी काट लेते हैं। देखिए मैंने ये भिंडियाँ काट ली हैं, और ऐसे ही हमें ये मैंने भिंडी बचा के रखी है दिखाने के लिए 2-3। इनको साइड से दोनों तरफ से काट लेंगे हम, और एक छुरी से लेंगे ऐसे, हम बीच में ऐसे कर लेंगे। इससे हम देखेंगे कि भिंडी के अंदर गिंडार या कोई कीड़ा तो नहीं। अच्छे से हम भिंडी को देख लेंगे। ऐसे काटने से पहले हमने भिंडी वॉश कर ली थी अच्छे से, इसी तरह हमने ये सारी भिंडी काटी है। देखकर भिंडी बड़े ध्यान से काटनी पड़ती है, क्योंकि इसमें गिंडार या कीड़े आते हैं। देख देख कर काटनी है इन्हें। कुकर में सीटी आ गई थी, हमने गैस बंद कर दी थी एक सीटी पर, और भाप में ही छोड़ दिया था, सीटी नहीं हटाई थी गोश्त को। ये देखिए हमारे गोश्त में पानी है अभी। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे गोश्त को। और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे जल जाएगा। जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता, गोश्त अच्छे से नहीं भुन जाता, हम इसे भूनेंगे। ये देखिए हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं ये जो मैंने दही फेंट के रखी थी ये डाल दूंगी, और अब गोश्त को एक बार फिर भूनना है हमें अच्छे से। तेज गैस पर हम इसको भून लेंगे। मैंने दही डाली थी, देखिए गोश्त अच्छे से भून गया है। गोश्त हमें बहुत अच्छे से भूनना है, इसके मसालों की सारी हैरान निकल जाए। अब इसमें मैं ये 250 ml करीब पानी डाल दूंगी। ज़रूरत पड़ी तो हम और पानी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसमें 250 ml पानी डाला है। इसमें मैं ये भिंडी जो मैंने काट के रखी थी ये डाल दूंगी। ये मिर्च थे जो मैंने लंबे लंबे बीच में से एक में से 2 कर लिए हैं, ये भी डाल दूंगी। हरी मिर्च को डाल दी इसमें। गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, हमें भिंडी गलानी है। भिंडी हमें इसमें एकदम घोटनी नहीं है, एकदम खड़ी खड़ी इसी गलानी है हमें भिंडी। गैस मैंने बिल्कुल स्लो कर देनी है, और ढक कर इसको गलाएंगे भिंडी को। सीटी नहीं लगानी है हमें इसे, ना भाप में बनाना है, स्लो आंच पर ऐसे ही गलाएंगे हम भिंडियों को। देखते हैं हमारी भिंडी सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखिए भिंडी हमारी सॉफ्ट हो गई है, हमें भिंडी इसमें बिल्कुल घोटनी नहीं है। सीधे सीधे पीस ऐसे ही हमें इसमें भिंडी के गलाने हैं। हम भिंडी को इतना पकाएंगे बस ये गल जाए, घुटे ना। अब इसमें हम थोड़ा ये मैंने गर्म करके पानी डाला था, ये पानी डाल दूंगी थोड़ा। शुरुआत आप अपने
मुताबिक रख सकते हैं जितना आपको खाना हो। मैंने इसमें 150 ml पानी डाला है गर्म कर कर। अब इसमें खद्दा आ गया पानी में, इसमें मैं ये गरम मसाला पाउडर ये डाल दूंगी और ये हरा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ। अब मैं गैस को बिल्कुल बंद कर दूंगी। हमारा ये भिंडी गोश्त तैयार है बनकर। अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे ताकि इसमें तार आ जाए और फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये भिंडी गोश्त हमारा बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। भिंडी और गोश्त दोनों बहुत ही मज़ेदार बनते हैं मिलकर एक साथ। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अलविदा।